आगे बढ़ते हैं जी, और पाकिस्तान की साबिक स्क्वाश चैंपियन मारिया वजीर, मारिया तौर पर कई इन दोनों इंटरनेट के जरिए फिटनेस क्लासेस दे रही हैं जी, और इन हफ्तावार सेशंस में दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों से बहुत बड़ी तादाद में लोग शिरकत कर रहे हैं और नौजवानों के साथ साथ उम्र रसीदा अफराद भी शामिल। बिल्कुल शफात, और इन सेशंस में एडवांस लेवल हाई एनर्जी वर्कआउट्स के साथ साथ निस्बतन कम मेहनत वाली योगा एक्सरसाइज भी शामिल है। मारिया कहती हैं कि लॉकडाउन के दौरान घरों तक महदूद लोगों को फिट रहने की पहले से ज्यादा जरूरत है, क्योंकि किसी मुमकिन बीमारी की सूरत में यही फिटनेस जिस्म को दरकार होती है और यही फिटनेस आपकी इम्यूनिटी लेवल को बढ़ाती है। और इसी वाले से बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम मारिया, वेलकम टू बाखबर सवेरा। एक तो आप बड़ा जबरदस्त काम करिए कि आप ये ऑनलाइन क्लासेस ले रही है। वैसे सामने से हमने देखा है जब इंस्ट्रक्टर आपको एक्सरसाइज करा रहा होता है तो उसको तब इतनी मुश्किल होती है एक्सरसाइज कराने में, जो वर्चुअली आप एक्सरसाइज करा रही है, इंटरनेट के थ्रू एक्सरसाइज करा रही है, वो कितना मुश्किल होता है करवाना लोगों को? मेरे ख्याल से बड़ा मतलब बेसिक है, जो सारी लोगों को पता है जो एक्सरसाइजेस वगैरह हैं। उसके अलावा हम लोग डिटेल में उनको बताते हैं कि कौन से मसल्स काम कर रहे हैं, कहाँ पे आपको यू नो टेंशन फील होनी चाहिए, कौन से मसल्स आपके एक्टिवेट हो रहे हैं। तो हम जो भी एक्सरसाइज करवाते हैं उसके साथ साथ उसके फायदे और उसके जो भी मसल यूज हो रहे हैं उसको हम पॉइंट आउट करते हैं, तब जाके लोगों को पता चलता है कि जो एक्सरसाइज है उसके साथ आपको फीलिंग कैसी होनी चाहिए। अगर आपको फीलिंग वैसी हो रही है इसका मतलब आप सही एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो बीच में मतलब ये सारा चलता रहता है। ये बताइए कितने मुल्कों के लोग इस वक्त आपसे ट्रेनिंग ले रहे हैं इस वक्त करंटली? करंटली जो भी मेरे साथ जो फिटनेस का सेशन है फ्राइडे को 11 बजे, उसमें खवातीन और बच्चियां हैं मेरे साथ। और खवातीन जो है हमारे साथ फलस्तीन से, इसराइल से, नाइजीरिया से, ट्यूनिशिया से, युगांडा से, यूरोप से, जर्मनी हो गया, फ्रांस हो गया, यूक्रेन वगैरह हो गया, इंग्लैंड हो गया, आयरलैंड हो गया, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका, ये सारी और अफगानिस्तान, ये सारी मारिया तो पूरी दुनिया से इसका मतलब है लोग आपसे ट्रेनिंग ले रहे हैं। तो एट अ टाइम आप कितने 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 लोगों को ट्रेन कर रही हैं, कुछ तादाद, कुछ नंबर्स बता सकेंगी? आई कुडंट फॉलो द नंबर दैट मच, इट वाज अ लॉट ऑफ पीपल, बहुत ज्यादा खवातीन थी और बच्चियां थी। और मेरे साथ जो मेरे ट्रेनर्स हैं यहाँ पे कनाडा में, जो मेरे अपने पर्सनल ट्रेनर्स हैं, आई आस्क देम टू यू नो कम विद मी, और मेरे साथ जो भी एक्सरसाइज वो कर सके उनको करवा सके, क्योंकि हर इंसान जो है दे हैव देयर ओन नॉलेज, ठीक है, एक्सपर्टीज, तो वो भी शेयर कर सके। तो मेरे साथ जो है यहाँ पे कैनेडियन जो है कैनेडियन नंबर वन स्क्वाश प्लेयर वो भी थी, नाइजीरिया से भी टॉप एथलीट थी। इसके अलावा जो है कोई पर्सनल ट्रेनर्स जो मेरे अपने हैं वो भी साथ शामिल थे। मारिया देखें, वैसे आपके सामने मोटिवेशन की बात करना बड़ा अजीब सी बात है क्योंकि आप तो अकेले कमरे में बंद होकर दीवार पे स्क्वाश की प्रैक्टिस करती रही है। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि जब हम जिम में होते हैं तो साथ वालों को देख के ना थोड़ी सी वैसी मोटिवेशन हो जाती है, जब आप अकेले कमरे में बैठ के ऑनलाइन एक स्क्रीन पे किसी बंदे को देख रहे होते हैं या किसी को मोटिवेट कर रहे होते हैं तो वो लेवल नहीं आता। तो खुद को कैसे आप मोटिवेट रखती हैं और खुद को कैसे आप इन्वॉल्व रखती हैं इस पूरे सेशन के दौरान? Well, सबसे पहले तो मैं ट्राइबल हूँ, वजीरिस्तान से हूँ, पाकिस्तान से हूँ, जो जज्बा है, जो जुनून है, उसकी वो कमी नहीं है। और अभी आज मैंने सुबह बच्चियों के साथ सेशन किया, पाकिस्तानी बच्चियां थी, उन्होंने कमाल की ट्रेनिंग करती हैं सारी, बहुत ज्यादा फिट बच्चियां हैं और जुनून उनके उसमें कमी नहीं है। तो उनके ग्रुप का नाम भी मैंने जुनून रख दिया है, जो भी हमारे साथ ये टीम है जी। तो इसके अलावा जो है एक मकसद है, और मकसद ये है कि मैं देखना चाहती हूँ कि ज्यादा से ज्यादा बच्चियां, ज्यादा से ज्यादा खवातीन स्पोर्ट्स में आए, फिट रहे, एक हेल्थी लाइफस्टाइल अपनाए, तो ये चीजें बहुत जरूरी है। उसके लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ, फाउंडेशन है मेरा, उसके थ्रू मैं सारे काम कर रही हूँ। अभी बच्चियां जो है मुख्तलिफ उनको स्टाइपेंड्स भी मिल रहे हैं उनको, ताकि मोटिवेट कर सके इस दौरान। सही, बहुत शुक्रिया जी। मारिया वजीर हमारे साथ मौजूद थी, और दुनिया जहां लोग हैं स्पेशली खवातीन जो है वो मारिया से इस वक्त ट्रेनिंग ले रही है, और ट्रेनिंग का देने का बेसिकली मकसद यही है कि इस ऐसे टाइम में जब हम तमाम तो लोग लॉकडाउन का शिकार हैं, अगर हम अपने आप को फिजिकली स्ट्रांग नहीं रखेंगे, फिट नहीं रखेंगे, तो इस वो बला जिसको हम देख नहीं सकते, हम इसका मुकाबला करने के लिए रेडी नहीं होंगे।